हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपको क्या सावधानी बरतनी है, उपाय क्या करना है, आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, सब बताएंगे। और आपको आज किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, किस क्षेत्र में व्यापार करेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, साझेदारी में व्यापार से लाभ होगा या हानि होगा, परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी या आज आपकी बदनामी हो सकती है, समाज में आपकी क्या परिस्थितियां रहेगी, राजनीति में क्या लाभ हो सकता है, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। और यदि आप प्रशासन में हैं तो आज आपको क्या लाभ मिलने वाला है, इस पर भी आज हम आपसे बात करेंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि ज्योतिष से संबंधित आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो आप प्रश्न पूछें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, आज अगर आप किसी भी बिंदु पर दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं, आप टास्क बना लें, टारगेट बना लें कि मुझे आज इस कार्य को करना है, एनी हाउ बुक बाय क्रूप, निश्चित रूप से उस कार्य को आप कर लेंगे। लेकिन आप कार्य की शुरुआत ही नहीं करते, इमेजिनेशन तो बनाते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन जब करना होता है तब पीछे हट जाते हैं। तो आज दिन है कार्य करने का, प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट करने का और आलस्य का परित्याग करने का। गुस्सा पर नियंत्रण रखें, आलस्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो आलस्य का परित्याग करें। यदि आज आप नौकरी के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर आपने एग्जाम दिया है तो आज आपको सफलता मिलेगी। किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एडमिशन हो तो उसमें एडमिशन हो सकता है। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, माली हालत आपकी सशक्त होगी, दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है और विभिन्न प्रकार के कार्यों से आज आपको लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। यदि आपके परिवार में भाई बहन में अगर कोई अविवाहित है तो उसके विवाह होने का भी शुभ समाचार मिलेगा। घर में नए तरह के मेहमान भी आने की संभावना बन रही है, तो आज बहुत सारे कार्य होने की संभावना दिख रही है। आज आपकी माली हालत अच्छी होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है और अज्ञात व्यक्ति से कोई भी डील न करें, कोई भी लेन देन न करें, नहीं तो आपके पैसे डूब सकते हैं। और सबसे बड़ी जरूरत है आज आपको अपने बड़ों की बात मानने की, माता पिता की, बगैर सलाह के कोई कार्य न करें। अगर किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो अपने पिता से, माता से, अपने गुरुजन से, अपने बंधु बांधव से, जो आपके बड़े हैं, उनकी सलाह जरूर लें। बगैर सलाह के आगे बढ़ने से आपको नुकसान हो सकता है। और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसके होने का आज का योग बन रहा है। भूमि भवन खरीद सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। घर में आज किलकारी गूंज सकते हैं, उसका भी शुभ समाचार मिलेगा। और आज आपकी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, परेशानियां दूर होगी, भाइयों से, बहनों से संबंध अच्छे होंगे। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि गुस्सा में कोई कार्य नहीं करना और आलस्य का परित्याग करना है। उपाय क्या करना है, आज आप प्रातः काल उठें तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें और भगवान सूर्य देव को जलाभिषेक करें। उसमें क्या करें कि तांबे का पात्र ले लें और उसमें लाल वस्तु, लाल लाल पुष्प ले लें और सिंदूर ले लें, केसर ले लें और ले करके भगवान सूर्य को, सूर्यदेव को ओम भृड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र से उनको जल अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है सुर्ख लाल। हरे कृष्ण।